हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका डाकू डैडी में। मैं हूं डाकू डैडी और आ गया हूं एक और वीडियो के साथ, जो है हमारा फर्स्ट वीडियो सीरीज़ का। और आज बहुत ही कुछ क्रेज़ी होने वाला है गाइस। जी हां गाइस, क्रेज़ी एक्स वाई जी या एक्स वाई जेड कुछ भी बोल लो, क्रेज़ी एक्स वाई जी अगर आप नहीं जानते तो गाइस मैं बता दूँ, ये काफ़ी क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत ही कुछ भी करते हैं यार। मतलब इनके वीडियो काफ़ी अलग हो सकते हैं। थ्रोइंग 1 kg सोडियम इन वाटर, देख रहे हो, 10 million ऑर्बीज इन स्विमिंग पूल, मतलब अलग ही लेवल। मतलब काफ़ी फेमस है इंडिया में उनके, देख रहे हो ये क्या बाइक का ट्रैक्टर का वो लगा के बाइक बना दी। मतलब बहुत ही क्रेजी कंटेंट बनाते हैं यार। 24.3 million सब्सक्राइबर, आर यू किडिंग मी? और हर वीडियो पे एटलीस्ट 1 million तो आएगा ही भाई, समझ रहे हो। अभी इनका मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी दिखा देता हूँ, 63 million यार। ड्राइविंग अवर अंडर वाटर कार, देख रहे हो, मतलब थंबनेल्स ही देखो यार, इंसान क्लिक करे बिना रहा नहीं जाता, समझ रहे हो। बहुत ही क्रेजी कंटेंट बनाते हैं ये। तो इनका पहला वीडियो था आज से 5 साल पहले, और इसका वीडियो का नाम है व्हाट इज इनसाइड अ पिंक क्रिकेट बॉल। तो ये जो अपन क्रिकेट वाली बॉल है उसको काटेंगे, कट ओपन अ बॉल ब्लेड एक्सवाइजी, आई गेस इनका पहले ब्लेड एक्सवाइजी नाम था, आई एम नॉट श्योर। चलो गाइस लेट्स गो, स्टार्टिंग इन 3 2 1। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल ब्लेड एक्स वाई जी में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस चैनल के ऊपर होगी पहली वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और दोस्तों जो लोग स्पोर्ट्सशाला से आए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दोस्तों ये जो चैनल है इस पे वीडियोज आएंगी चीजों को कटिंग से रिलेटेड, मैं चीजों को काट करके दिखाऊंगा आपको कि उनके अंदर क्या क्या मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों हम काटने वाले हैं इस पिंक बॉल को, और दोस्तों साथ ही साथ हम काटने वाले हैं इस रेड बॉल को भी। देखें क्या है इन दोनों में अंतर। दोस्तों आपको अगर प्राइस बता दूं इनकी, तो ये जो बॉल है पिंक वाली ये एक सस्ती बॉल है, इसकी प्राइस जो है ज्यादा नहीं है, लगभग 250 रुपए की है। ये वाली बॉल जो है ये 600 रुपए की बॉल है। ये है SG का क्लब, आप देख सकते हैं या फिर शायद नहीं देख सकते। देख तो इनको काटते हैं और देखते हैं क्या है इनके अंदर का राज। तो दोस्तों कैसे यहां पर है हमारी दोनों बोल जिनको कि हम अभी काटने वाले हैं कुछ ही देर में। और दोस्तों काटने के लिए जिस टूल का मैं यूज कर रहा हूं वो है एक एंगल ग्राइंडर, आप देख सकते हो जिस तरीके से। दोस्तों इस चीज को कभी भी आपने घर पे या कहीं भी ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि डेंजरस आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों जो बोल है उसको एक जगह रोकने के लिए मैं यूज करूंगा इस क्लैंप का, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं शिकंजा। तो चलिए फिर इस पिंक वाली बॉल को लगाते हैं हमारे क्लैंप में और इसको दिखाता हूं आपको काट। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने हमारी इस पिंक बॉल को क्लैंप कर दिया है स्टेबल के साथ में, और दोस्तों जो शिकंजा है वो भी मैंने पूरा यहां पर कस दिया है। और दोस्तों इस बॉल को हम यहां पर काटने वाले हैं अलोंग द सीम नहीं काटेंगे, हम इसको इस तरीके से जो है सेक्शन करेंगे। तो चलिए फिर इसको करते हैं हमारी मशीन को चालू और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें इसके अंदर। ग्राफिक्स बढ़ लग रहा है, अच्छा। और दोस्तों मुझे लगा कि यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए सेफ्टी ग्लव्स का, क्योंकि जो सेफ्टी है जो सुरक्षा है वही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ये जो बॉल है अभी लगभग आधी कट चुकी है, तो इसको हम पूरा काटते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। खत्म, गया, टाटा। दोस्तों यहाँ पर पिंक बॉल को दो हिस्सों में काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ मटेरियल इसके अंदर है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ। और दोस्तों जो इसके अंदर पीस था कोर्क वाला वो पता नहीं कहाँ गया एकदम से जब ये बॉल कटी थी, तो उसको मैं ढूंढता हूँ आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जो है काटने वाले हैं हमारी इस SG की बॉल को। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टेबल जो है वो गंदी हो गई है, जो बुरादा टाइप हो गया, जो कि लेदर का हो सकता है या फिर इसके अंदर कोर्क है उसका भी हो सकता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर हमारी रेड बॉल को भी अच्छे से कर दिया क्लैंप। और दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा कि ये चीज जो है बिल्कुल भी आप अपने घर पे ट्राई मत कीजिए। चलिए इसको भी काटते हैं और देखते हैं कि इसमें और उस बॉल में क्या अंतर है। इसलिए कर रहे हैं दोस्तों इसको काटते टाइम मुझे काफी महसूस हो रहा है कि कितना हार्ड है ये बॉल और इतना इजी नहीं है इसको काटना। बहुत हार्ड।
क्रेजी एक्स वाई जेड का पहला वीडियो इतना क्रेजी, क्या बात है भाई, निकाल ले भाई, अभी तक नहीं कटी पूरी, अब खत्म खत्म खत्म। अरे वो फिर गया भाई, क्या है भाई। तो दोस्तों दोनों बोल्स को चार पीसेस में काटने के बाद हमें यहाँ पर मिले हैं टोटल बोल्स के चार टुकड़े। और दोस्तों काटते टाइम जो हमारी पिंक वाली बोल है उसके अंदर का जो मटेरियल था, उसकी जो कोर थी, वो पता नहीं कहाँ पर उड़कर चली गई। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश करी, मुझे मिली नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास में दूसरा पीस है, बड़ा वाला पीस है, और इसके अंदर जो है वही सेम मटेरियल है। चलिए अब इस रेड बॉल को करते हैं साइड में और देखते हैं कि इस पिंक बॉल के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो दिखता है वो यहाँ पर है कोर्क, और दोस्तों ये जो है एक सिंगल पीस में मुझे लग रहा है इसके अंदर जो है कोई खास चीज नहीं दिखाई दे रही है। आप देखेंगे सिर्फ एक कोर्क का टुकड़ा है, नारियल लग रहा है, एक पूरा था, काटने के बाद में अभी आधा हो गया है। इसके अलावा इस बोल के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इस चीज से ये साबित हो जाता है कि ये जो बोल है एक सस्ती क्वालिटी की है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की बोल्स होती है उनके ऊपर काफी लेयर्स होती है थ्रेड्स की। इसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेदर का टुकड़ा है और उसके अंदर इस बोल को फिट किया हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको कुछ और भी दिख रहा है, जो कि शायद लेदर का ही एक पीस है, दो पीस है बेसिकली, दोनों साइड में है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, और ये जो है बाहर आ गया। ये दो टुकड़े भी हमें इसके अंदर मिले हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि हमें हमारी रेड वाली बोल के अंदर क्या क्या मिलता है। अच्छी क्वालिटी। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको बिल्कुल अलग ये बोल दिखाई देगी हमारी पिछली वाली बोल से, जिसके अंदर था एक सिर्फ कोर का टुकड़ा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे काफी चीजें जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कोर अलग से दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता किस मटेरियल की ये बनी हुई है, लेकिन कुछ तो है इसके सेंटर में, जबकि हमारी जो पहली वाली बोल थी जो पिंक थी उसके अंदर सिर्फ एक टुकड़ा था जो कि था कोर का। तो चलिए अब इसको भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है मुझे लग रहा है काफ़ी टाइट वाइंडिंग इसकी की हुई है, जो बोल है वो बहुत अच्छे से फिक्स है। और दोस्तों यही एक निशानी है कि आपकी जो बोल है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर आपको मिल रही है काफ़ी लेयर्स, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा थ्रेड आपको मिलता है। जो धागा होता है ये बोल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत काम आता है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं पता इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसको खोल के देखते हैं कितनी लेयर्स हमें इस थ्रेड की मिलती हैं। तो यहाँ पर है पहली, यहाँ पर है दूसरी, ये लेकिन कभी नहीं देखा यार ऐसा, और लेयर भी है, या फिर हो सकता है इसके अंदर चार पांच लेयर भी हों। दोस्तों इस बोल को काटने से पहले मुझे लग रहा था कि इसके अंदर शायद तीन लेयर्स होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पांच लेयर इस थ्रेड की हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इनको हम रखते हैं साइड में। ये जो है चिड़िया के घोंसले का जैसा लग रहा है, और मुझे लगता है अभी इसके अंदर और लेयर जो है बची हुई है, तो इनको भी हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों आपकी बोल में जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतना ही बोल जो है अच्छा परफॉर्म करता है, और जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतना ही आपका जो बोल है वो महंगा भी होता है। इस बोल का जो प्राइस था, इसकी जो कीमत है वो लगभग 600 रुपये थी, तो इसलिए जो है एक ठीक ठाक क्वालिटी का बोल था। हमारे पिछले वाली बोल की तरह नहीं था, जिसमें कि हमें एक सिंगल पीस का कोर्क मिला था। यहाँ पर भी सेंटर में भी कोई चीज़ है, लेकिन मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है खोलने में, ये जो है काफी टाइट है। दोस्तों अब इन थ्रेड्स को छोड़कर इसके जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकालने की, और मुझे लग रहा है कि ये जो पीस है ये बना हुआ है लकड़ी का, ऐसा मुझे थोड़ा फीलिंग आ रहा है। हो सकता है कोर का भी बना हुआ हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन निकालने के बाद में ही पता लगेगा कि क्या चीज़ इसके अंदर हमें मिलती है। और दोस्तों जो सेंटर जो कोर था वो भी यहाँ पर बाहर आ गया है लगभग, और जी हाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक छोटा सा सेंटर में कुछ मिलता है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है लकड़ी का तो बना हुआ नहीं लग रहा, किसी और चीज़ का ही है। तो ये है इस बोल के अंदर जो कि थी हमारी रेड वाली बोल SG का क्लब, और इसकी जो कीमत थी वो थी लगभग 600 रुपये। तो दोस्तों अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक सस्ती वाली बोल थी, जो कि एक यहाँ पर पिंक वाली बोल थी 250 रुपये की रेंज वाली, उसमें और इस रेड बोल में जो की थी एक प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की बोल, उसमें क्या अंतर है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये निकली हैं इस रेड वाली बोल के अंदर, वहीं पर इस जो पिंक वाली बोल है इसके अंदर हमें सिर्फ एक टुकड़ा ही मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे नए चैनल BladeXYZ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे कुछ खास जरूरत है, तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप जरूर से प्लीज कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए उसको भी आप जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़िया यार, व्हाट इज इनसाइड अ सूतली, हमारे बाय 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 BladeXYZ।
यार देख रहे हो अब ये, अब प्रैंक, अब ये क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टंट्स करते हैं, स्टंट नहीं मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले इन्होंने कटिंग कटिंग से स्टार्ट किया, बट थंबनेल देखो यार कैसे 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 एक्सपेरिमेंट है भाई, क्रेजी है, मतलब क्रेजी एक्स वाई जी, बहुत सही नाम चेंज कर दिया है इन्होंने। तो गाइज ये था यार क्रेजी एक्स वाई जी का पहला वीडियो, यूट्यूब की खदानों से मैंने निकाल के आया हूँ ढूंढ के। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, नेक्स्ट कौन से इंसान पे वीडियो बनाऊँ प्लीज़ कमेंट्स पे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए।